बॉलीवुड ने एक उभरते हुए सितारे को खो दिया। सुशांत सिंह राजपूत जिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, अब उनका हिसाब लगना शुरू हो गया है और बयानबाजी भी बाहर आने लगी है। कंगना रनौत हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है और देखिए किस तरीके से कंगना रनौत ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानसिक दबाव डालने का काम करते हैं। They have other things. For you also, it would have been a नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे तीन चार राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयां उड़ गई, सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी? मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आजाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आजाद नहीं है, समस्त भारत आजाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहां वहां कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। मतलब उनका आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था, तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।